अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हुआ का दोस्त आपका भाई जिशान खान, और इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ दुबई बॉर्डर। ये एग्जिट देख रहे हैं, ट्रक होगा एग्जिट है, और अभी हम इस एग्जिट में राइट मारेगा। सीधा जो रोड जा रहे हैं ना, इस पर छोटा गाड़ी जा रहे हैं, और जो इधर राइट एग्जिट दिया है तो ये ट्रक का एग्जिट है। तो ट्रक जो है ना वो राइट साइड में जाता है, सही है। अभी मैं जाएगा राइट साइड, इधर दूसरा बोर्ड भी दिया है, आपको नजर आता होगा, ये लाल वाला, अटेंशन ट्रक मस्ट एग्जिट, देख लिया ना आपने। तो इसमें राइट जाना है, अगर सीधा जाएगा तो आपको उधर छोटा फाइन दे सकते हैं, और राइट में कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी हम राइट लिया इधर, और सीधा छोटा गाड़ी का रास्ता है, तो बॉर्डर पे पहुंच गया। और गुबार बहुत ज़्यादा यार, ये आप गुबार देख सकते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम तो गुबार इसको बोलते हैं अरबी में। ये पूरा मिट्टी उड़ रही है, और इतना मिट्टी उड़ रही है कि पूछो मैं। तो गाड़ी में थोड़ा गेट खोल दिया, उधर मैं खड़ा था तो पूरा गाड़ी मट्टी हो गया, वापस गेट बंद कर दिया। ये देखो कोई चीज़ नज़र नहीं आती, इतना मट्टी उड़ रही है, देखो। लोगों पर बारिश का पानी का बारिश होता है, और हम पर जो है ना मट्टी का बारिश होता है। आज इधर मट्टी का बारिश है, देख सकते हैं। ट्रेनें खड़े इंतज़ार करते हैं, इसका मेरे ख्याल में टाइम बाकी होगा। पहला वक्त में जो था ना बॉर्डर में आने के लिए कोई टाइम नहीं था, अभी दुबई का बॉर्डर जो है ना इधर भी आने के लिए टाइम चाहिए, और जो सऊदी का बॉर्डर है उधर भी टाइम है। तो अपना टाइम पर आएगा, अगर टाइम से पहला आएगा तो ये लोग फाइन देता है। तो इस वजह से लोगों का जो थोड़ा सा टाइम रह गया होता है ना, ये लोग रास्ते में गाड़ी खड़ा करते हैं, और फिर जब टाइम पूरा हो जाता है फिर अंदर जाते हैं। इस साइड में देखो गाड़ी खड़ा है, लेकिन गुबार बहुत ज़्यादा यार। ये जो लेफ्ट साइड में रूम नज़र आ रहा है ना, तो इसमें सिक्योरिटी वाला बेटा होता है, वो हमारा अपॉइंटमेंट चेक करता है, जो बॉर्डर का अपॉइंटमेंट होता है। तो मैं उसको ये अपॉइंटमेंट दिखाता हूँ, फिर निकलता हूँ। तो अपॉइंटमेंट चेक हो गया, अभी हम जाएगा अंदर। ये गेट है, तो इस गेट से ट्री ले अंदर जाते हैं, बड़ा गाड़ी है नहीं, और छोटा गाड़ी का जो है ना वो दूसरा गेट है, उधर दूसरी तरफ है। तो हम अभी इससे अंदर जाएगा, और इधर हम क्या करेगा, हम इधर गेट पास बनाएगा और इमिग्रेशन करेगा, यानी कि जवाजात पासपोर्ट पर स्टैम्प मारेगा। तो जा रहे लेफ्ट साइड में, सामने भी पार्किंग है, लेकिन हमारा जो कार्गो का पार्किंग है तो वो ये लेफ्ट साइड में है। कार्गो वाला जितना गाड़ी होता है ना वो इधर लेफ्ट साइड में आता है। और ये रमल देखो यार, ये रमल क्या करता है, हम गेट पास नहीं बनाएगा यार। इतना रमल उड़ रहा है ना, यानी रमल क्या होता है, रमल हम अरबी में जो रेत होता है ना उसको हम अरबी में रमल बोलते हैं। तो हमारा ज़्यादा बातें जो होता है ना वो अरबी में होता है। तो ये रमल उड़ रहा है, तो हम भी जाएगा मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह अपना गेट पास बनाएगा और जवाजात फिर करेगा। लेकिन इस रमल में कैसा बनाएगा आप देखो। आगे रमल जा रहा है, पीछे मैं भी जा रहा हूँ उसके पीछे, सब गाड़ी खड़ी है देखो। ये पूरा कार्गो का गाड़ी है, फेडेक्स है, आरामेक्स है, इसमें डीजल भी है, टीएनटी भी है, जितना भी कार्गो का गाड़ी है सब इधर खड़ा होता है। और इसमें खाली गाड़ी भी इसमें आता है, खाली गाड़ी जो होता है ना जो सऊदी की तरफ जा रहा है वो गाड़ी भी इधर खड़ा होता है। खाली गाड़ी का गेट पास भी इधर से बनता है। तो ये सब कार्गो वाला गाड़ी खड़ी है। तो चलो हम भी गाड़ी खड़ा करते हैं और गेट पास निकालते हैं। तो सोच रहा हूँ कि अभी उतर जाओ गाड़ी से या नहीं उतरो, क्योंकि ये रामल को देखो ऐसा उड़ रहा है, तो इसमें हम कैसा यानी कि गेट पास बनाएगा। चलो उतरते, क्या करेगा, मजबूरी है, गेट पास तो बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बनाएगा तो क्या करेगा, इधर तो ऐसा नहीं रोक सकते। तो उतरते है, गेट पास बनाते है, जो भी हो किस्मत में है, बस क्या करेगा। आज मिट्टी का बारिश है। गेट पास बनाया, गाड़ी से उतर गया, तभी आया तकरीबन एक घंटा,
नीचे खड़ा था। ये हालात आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बाल कैसा हो गया, पूरा यानी मिट्टी मिट्टी हो गया। कानों के अंदर देखो कितना मिट्टी है, देखो कानों के अंदर मिट्टी है, नाक के अंदर मिट्टी है, देखो ये आंखें देखो इसके अंदर कितनी मिट्टी गया, जीभ में भी मिट्टी गया, इतना इतना आराम है। देखो आपको मैं जीभ दिखाते कितना, ये देखो पूरा मिट्टी उड़ रही है यार। वो मोबाइल देखो, अजाब है अजाब। और अभी मैं दिखा था कि मैं किधर खड़ा था, वो जगह मैं भी दिखाएगा कि मैं किधर खड़ा था और किस हालत में था। ये सामने देखो ये पूरा ड्राइवर खड़ा, इधर मैं एक घंटा खड़ा था, और ये रमन देखो जो उड़ रही है पूरा मट्टी हो रही है। आज ड्राइवरों का हालत बिल्कुल ख़राब हो गया, ड्राइवर हजरात का आज बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। देखो इस मट्टी में मैं खड़ा था, कैमरा भी सही नहीं होता यार, कैमरा खड़ा हो जाओ, एक बार हवा एक तुम इधर अंदर डांस शुरू किया, व्हाट इज दिस। गेट पास बनाया अभी इधर आ गया, इधर हम क्या करेगा, इधर हम इमिग्रेशन करेगा, स्टैंप करेगा और उसके बाद सीधा निकल जाएगा सऊदी की तरफ। यस ओके, गाड़ी से उतरना पड़ेगा यार, जो आजाद के लिए इमिग्रेशन के लिए क्या करेगा, उतरू या नहीं उतरू, अगर नहीं उतरेगा तो काम नहीं होता, अगर उतरेगा तो पूरा मट्टी हो रही है यार, सिस्टम बहुत खराब है। पासपोर्ट और ये रहा हमारा वीज़ा और ये रहा हमारा गेट पास। तो अभी ये गेट पास पर और पासपोर्ट पर इस पर स्टैम्प करेगा और वीज़े को स्कैन करेगा और फिर निकल जाएगा इंशाल्लाह। तो चलो मैं जाता है स्टैम्प करते, ओके। इमिग्रेशन हो गया, अभी तो सऊदी की तरफ जा रहे हैं। देखो ये जो लाइन लगा है ना, ये सऊदी की तरफ जा रहे पूरा गाड़ी। और यार आज हालत बहुत ख़राब है इतना रमल उड़ रहा है ना, इतना रमल के पूछो मत। ये बॉर्डर का लास्ट गेट है निकलने का, तो एक घंटा तकरीबन अभी मैं लाइन में खड़ा था। ये बॉर्डर का लास्ट गेट था, मैं निकल गया बॉर्डर से, तो इधर मैं उनको गेट पास दिखाया अपना स्टैम्प और बोले जाओ, तो बॉर्डर से निकल गया दुबई से, अभी सऊदी के अंदर जाएगा। बहुत रश था यार, अभी भी बहुत बड़ा लाइन लगा है। तो अभी हम दुबई से निकल गए और सऊदी में इंटर हो जाएगा अभी इंशाल्लाह।
यूनाइटेड अरब इमारात। तो अभी हम दुबई से निकल गया और वो रहा सऊदी, अभी सऊदी का बोर्ड आएगा हमको वेलकम करेगा, इसने गुड बाय किया और दूसरा हमको वेलकम करेगा। सऊदी बॉर्डर में एक्सरे पर पहुंच गए हैं। ये एक्सरे देखो, ये गाड़ी अंदर जा रहे है ना, ये अंदर खड़ा हो जाएगा, ड्राइवर बाहर निकलेगा, पूरा गाड़ी का एक्सरे हो जाएगा, सही है। फिर यानी कि अभी ये गाड़ी अंदर खड़ा करेगा ना, इसके आगे और पीछे दोनों गेट ये एक्सरे का ये बंद हो जाएगा, और जब एक्सरे हो जाएगा ना तो गेट वापस खुलेगा और ड्राइवर अंदर जाएगा, वो अपना गाड़ी निकालेगा। तो ये गाड़ी खड़ी है, बहुत सारी गाड़ी है और सब कैमरे के लिए खड़ी है। एक कैमरा वो है, वो गाड़ी वाला कैमरा है, और ये तीन कैमरे हैं, ये यानी कि एक्सरे, ये रूम वाला है, यानी इसके अंदर गाड़ी खड़ा करेगा और तुम बाहर, ड्राइवर बाहर निकल जाएगा और फिर जब एक्सरे हो जाते हैं ना तो ड्राइवर एक्सरे पर पहुंच चुका हूँ। ये जो मेरे आगे गाड़ी जा रही है ना, ये अभी एक्सरे के अंदर जाएगा, सही है। तो गेट खुल गया एक्सरे का, ये अंदर जाएगा और ड्राइवर निकलेगा बाहर, गाड़ी खड़ा करेगा अंदर और ड्राइवर जो है ना बाहर निकल जाएगा, सही है। तो जब गाड़ी का एक्सरे हो जाएगा तो गेट फिर वापस खोल जाएगा और ड्राइवर आएगा अंदर और अपना गाड़ी निकालेगा। ये कैमरे, हम इसको कैमरा भी बोलते हैं, एक्सरे भी बोलते हैं, तो हर किसी का अपना मर्जी, कोई क्या बोलते कोई क्या बोलते, हम तो कैमरा भी बोलते हैं एक्सरे भी बोलते हैं, सही है। तो ये गाड़ी का इधर एक्सरे हो रहा है, कैमरा से आया, एक्सरे कर दिया गाड़ी का। मेरा ख्याल में एक्स आया, पेपर नहीं दिया। उधर जब हमको पेपर मिलता है ना तो एक्स नहीं होता है। अभी मेरे ट्रेले पर एक्स है, तो मैंने गाड़ी रंबे पे डाला और अभी ये जो इधर लोग हैं ना वो गाड़ी खाली करेगा, फिर जो कस्टम वाले मोइन वो आएगा, वो चेक करेगा, तफ्तीश करके यानी इंस्पेक्शन करेगा, उसके बाद वापस लोड करेगा। और मैं क्या किया, मैं गया सीधा बाथरूम में, इधर बहुत अच्छे शावर लगे, नहाया, और दुबई बॉर्डर में पूरा बाल, आंख, कान, नाक, आंखें, सब जगह में मिट्टी गया। तो अभी नहाया, फ्रेश हो गया, तो इंशाल्लाह अभी रात को भी ड्यूटी करना पड़ेगा। रात को उधर से निकला दुबई से, फिर दिन को रास्ते में था और अभी फिर रात को बॉर्डर में ड्यूटी हो, कल फिर सुबह ड्यूटी होगा। व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस लखन। इंस्पेक्शन हो गया लोडिंग का, ये कार्टून उसने खोल दिया और ये भी खोल दिया। तो अभी इंस्पेक्शन हो गया, मैं तकरीबन 8 बजे से मैं इधर रंबे पे खड़ा हूँ, सही है, 8 बजे से। और अभी कितना बजे, अभी 4 बजे। तो
तो मेरा कितना टाइम हो गया इधर रामबा पे इंस्पेक्शन के लिए, 8 घंटे हो गया अभी इंस्पेक्शन हो गया। अभी वो इधर लेबर लोग जो है ना वो गाड़ी लोड करेगा, उसके बाद हम कैमरा लगाएगा, एक ट्रैकर हमको इधर बॉर्डर पे देता है, तो ट्रैकर अभी तक लाया नहीं, पेपर उधर जमा किया और हम इधर ये लोडिंग करेगा, लेबर को बुलाएगा और जो है ना फिर जाएगा कैमरा लाएगा ट्रैकर, सॉरी ट्रैकर। ये भी ट्रैकर मिला हमको, एक ये छोटा वाला है, एक ये बड़ा वाला है। ये बड़ा वाला जो है ना ये यूनिट के अंदर रखेगा, यानी इसको चार्ज करना पड़ेगा, और ये जो छोटा वाला है ये गाड़ी के पीछे जो दरवाज़ा है इसके लॉक को लगाएगा, ये केबल लॉक में डालेगा और बंद करेगा, और इसके साथ हमको मिला है चार्जर भी मिला है। तो ये पेपर और ये ट्रैकर बॉर्डर से निकल गए अभी दिन को 7 बजे, हम कल आए थे दुबई बॉर्डर में तकरीबन 1 बजा, तो तकरीबन 1-2-3 घंटे हम दुबई बॉर्डर में रुके थे और फिर आए सऊदी बॉर्डर में, तो अभी सऊदी बॉर्डर से निकल गया, यानी कि सऊदी बॉर्डर में हमने 15 घंटे गुजारा, सही है। टोटल हमने 18 घंटों में दोनों बॉर्डर क्रॉस किया, दोनों बॉर्डर से निकल गया, सऊदी वाला और दुबई वाला दोनों से 18 घंटे में निकल गया। और अभी आ गया इधर एक ये पेट्रोल पंप है, बॉर्डर से जैसा निकलेगा ये पेट्रोल पंप है, तो अभी हमारे पास डीजल नहीं है, हम डालेगा डीजल, और इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, रास्ते में अच्छी अच्छी वीडियो बनाएगा, और फिर जब जॉर्डन पहुंचेगा तो इंशाल्लाह उधर भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएगा, तो हमारे साथ रहें, अपने दुआओं में याद रखें लाजिम, खुदा हाफिज़।